हाँ जी, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं साइकिल्स पे अखरोटों के लिए। पहली रेकी करने जा रहे हैं बेसिकली हम लोग आज। बारिशें यहाँ चूँकि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए सीट्स को बचाने के लिए हम जो है सीट के ऊपर इस तरह शॉपर वगैरह डाल देते हैं। मेरी जो सीट है उस पर शॉपर नहीं डला हुआ, क्योंकि खैर इसकी अब जो है आखिरी टाइम आया हुआ है इस सीट का। अभी जो है वो सितंबर का मिड आ गया है, और सितंबर के मौसम में ही तकरीबन जो है अखरोट रेडी हो जाते हैं। ये क्रॉसिंग के लिए जो है ये बटन बने हुए हैं, आप इसको प्रेस करेंगे। जर्मन जबान में लिखा हुआ है द्रुकन, मीन्स के प्रेस। तो फिर आप ये प्रेस करें ताकि जो लाइट जो है ना वो ग्रीन हो जाए। तो ये अब जंगल जो है तकरीबन समझ लें कि शुरू होने वाला है। ये बेसिकली वही रास्ता है जो हमने लास्ट टाइम लिया था, और अब ये साइकिल का रास्ता ये सिर्फ। Hey man, where am I going? में अखरोटों के काफ़ी ज़्यादा दरख्त जो हैं वो पाए जाते हैं, और सितंबर अक्टूबर ये अखरोटों का सीज़न होता है। अखरोट जो है वो दरख्तों से तोड़ा नहीं जाता, बल्कि इसके नीचे गिरने का इंतज़ार किया जाता है। तो जैसे ही ये अपने खोल के अंदर पक जाता है ब्राउन होके, तो ये ख़ुद ब खुद इसका खोल जो है वो फट जाता है, और फिर इसमें से अखरोट जो है वो बाहर आ जाता है। ये जो है ये अखरोट का दरख्त है, इसमें आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा अखरोट का खोल, सब्ज़ है अभी। इसका मतलब है कि अभी इनको तकरीबन से दो से तीन हफ्तों की देर है, अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुए। ये जो पीली सी आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो है ये फ्रूट फ्लाइज के प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये दरख्त पर लगी हुई है मुख्तलिफ जगहों पर। ये जो सामने दरख्त है ये भी अखरोट का है, मैं भी आपको मैं करीब से दिखाता हूँ अखरोट लगे हुए। ये देखें, दो हफ्ते कम से कम जल्दी आ गए हैं। मेरा ख्याल था कि रेकी के साथ साथ आज हमें थोड़ा बहुत शायद जो है अखरोट मिल ही जाए, लेकिन अखरोट अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारा फेवरेट एरिया है जहाँ से हम लोग हर साल जो है अखरोट इकट्ठे करते हैं। ये सड़क के दूसरी तरफ जो पूरी लाइन है ये अखरोटों के दरख्त की है। ये सेबों का बाग है बिल्कुल रोड के किनारे। अखरोट तो अभी खैर हमें नहीं मिले, तो अब हम लोग जो है प्लेग्राउंड जा रहे हैं। यहाँ से पास में 2.5 किलोमीटर पे निक्की तो खेले कम से कम। Thank you.
ये है जी निक्की के लिए प्लेग्राउंड। काफी बड़ा प्लेग्राउंड है। ये यहाँ पे एक सांप का बनाया हुआ है मुजस्मा। उसने हाथ में जो है ये तीर कमान पकड़ी हुई है, क्रॉसबो। और बिल्कुल सामने जो है वो एक और मुजस्मा है जिसमें जिसमें उसके सर पे सेब रखा हुआ है, इस तरह हम लोग फिल्मों में देखा करते थे। ये प्लेग्राउंड के बिल्कुल बाहर जो है वो एक नाशपाती का दरख्त भी लगा हुआ है, छोटा है। इसमें बस इक्का दुक्का ही नाशपातियाँ लगी हुई हैं, लेकिन लगी हुई हैं बारह, ये आपको सामने नज़र आ रही होगी। बेसिकली इंसेक्ट हाउस बोलते हैं इसको। इसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो दरख्त और डिफरेंट तरह की जो लकड़ी है वो होल्स के साथ लगाते हैं, फिर इसमें जो है डिफरेंट ब्रीड के जो इंसेक्ट हैं वो रहते हैं। जर्मनी में आपको ऐसा आर्ट जगह जगह मिलेगा।